तो हाय गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम बनाएंगे गम यानी गोंद, जो कि गाइस फेविक्विक से बहुत ही तेज होगी गाइस। और गाइस जो फेविक्विक रहती है उससे कुछ चीज़ें चिपकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं चिपकती हैं। और जो आज हम गम बनाने वाले हैं यानी गोंद बनाने वाले हैं, उसे हम बिल्कुल फ्री में बनाएंगे और उससे आप हर चीज़ चिपका सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे कुछ थर्माकोल के टुकड़े, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ थर्माकोल के फीसेस हैं। तो आपको थर्माकोल के फीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने इससे लिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको कहीं भी कबाड़ में डला हुआ मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है वो उसमें लगा रहता है ये सेफ्टी के लिए। तो आपको ये कहीं भी कबाड़ में डला हुआ मिल जाएगा। तो आपको इससे कुछ थर्माकोल के फीसेस ले लेने हैं, जैसा कि मैंने ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर थर्माकोल के टुकड़े हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी उंगलियों को क्या हुआ गाइस। तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको पता पड़ जाएगा मेरी उंगलियों को क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें थर्माकोल के टुकड़े ले लेने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे चाहिए एक कटोरी, जो कि कोई सी भी कटोरी चल जाएगी। और हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। चाहे तो आप अपनी बाइक में से भी निकाल सकते हैं, बस बिल्कुल थोड़ा सा हमें यहाँ पे पेट्रोल चाहिए, या फिर अपनी स्कूटी में से आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें पेट्रोल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थर्माकोल और बस यहाँ पे हमें पेट्रोल। तो आप देख सकते हैं हमें बस इतना सा ही पेट्रोल चाहिए बिल्कुल। और बस हमारी गोंद जो है वो बिल्कुल आधे मिनट में तैयार हो जाएगी, जो कि फेविक्विक से 10 गुना ज़्यादा तेज़ होगी। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पे फिर हमें जो कटोरी है उसमें पेट्रोल ले लेना है। पेट्रोल लेने के बाद जो हमारे थर्माकोल के फीसेस हैं उनको आपको एक एक करके इस पेट्रोल में डालना है, जैसा कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। एक एक करके आपको डालना है। और जो जैसे ही आप थर्माकोल के टुकड़े पेट्रोल में डालोगे तो पेट्रोल में डिजोल्व हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक चम्मच ले लेनी है। चम्मच से आपको इसको प्रेस करना है, मतलब इसे अच्छे से जो पेट्रोल है उसमें घोल देना है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल घोल देना है चम्मच से, और जब तक ये जो है जो पेट्रोल है वो गाढ़ा ना हो जाए तब तक आपको इसमें थर्माकोल के टुकड़े डालने हैं। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा ले लिया, तो मुझे इसमें थर्माकोल के टुकड़े और डालने पड़ेंगे। तो मैं इसमें थर्माकोल के टुकड़े और डालूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिला लेता हूँ। तो आपको भी चम्मच से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। और यहाँ पे मैं थोड़े और यहाँ पे थर्माकोल के जो है टुकड़े इसमें डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेट्रोल जो है थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, इसलिए मैं थोड़े और थर्माकोल के इसमें टुकड़े डालूंगा। तो आपको भी यहाँ पे थर्माकोल के टुकड़े डालना है, जब तक जो पेट्रोल है वो गाढ़ा ना हो जाए। फिर आपको इसमें अच्छे से चम्मच को उसको प्रेस करना है और अच्छे से इसमें डिजॉल्व कर देना है, मतलब घोल देना है इसको पेट्रोल में थर्माकोल को, और इसे चम्मच से बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना हो जाए। तो आपको बिल्कुल अच्छे से थर्माकोल को डालना है पेट्रोल के अंदर, जब तक ये पेट्रोल जो है गाढ़ा ना हो जाए। तो आपको इसी तरीके से अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पे हमारी जो गोंद है गाइस वो तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की हमारी गोंद है, जो कि बहुत ही पावरफुल गोंद है। अगर आपने एक बार इससे कोई चीज़ चिपका दी तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। अगर हम इसे कंपेयर करें गाइस फेविक्विक से, तो मैं यहाँ पे फेविक्विक को लाता हूँ। तो गाइस अगर हम कंपेयर करें इसे फेविक्विक से, तो गाइस ये 5 रुपये की बिल्कुल थोड़ी सी फेविक्विक आती है, जो कि बाद में सूख भी जाती है। तो आप देख सकते हैं जो ये गोंद है गाइस, ये बिल्कुल आपको फ्री में मिल, मतलब आप फ्री में इसे बना सकते हो। बस हमें थर्माकोल के टुकड़े और यहाँ पर पेट्रोल थोड़ा सा चाहिए, और आप इसे बना सकते हो। अब चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी पावरफुल गोंद है, मतलब कितनी तेज़ है, कितनी तेज़ चिपकती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक गिलास और लिया है यहाँ पे एक माइक्रो मोटर। तो अब हम लगाते हैं इस गिलास पे गम यानी गोंद जो हमने बनाई है, और इसे अच्छे से चम्मच से इसको फैला देंगे, ताकि जो मोटर है हमारी वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो फिर हम इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हम जो है हमारी माइक्रो मोटर है, हम उसको इसमें चिपका देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमने इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमें इसे सुखाना है, ताकि जो
हमारी जो मोटर है वो गिलास में अच्छी तरीके से चिपक जाए। बस जो ये गोंद है वो सूखने में थोड़ा टाइम लेती है, बाकी जो गोंद है बहुत ही दमदार गोंद है। बस जो इसी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मतलब इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फेविक्विक जो है जल्दी सुखा के चिपका देती है, लेकिन इसे थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को, तब तक ये चिपकेगी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमारी जो है मोटर चिपक चुकी है गिलास में, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी जो मोटर वो चिपक चुकी है। अगर मैं इसे थोड़ा और सूखने दूँ तो ये मोटर कभी नहीं निकलेगी, मतलब बहुत ही पावरफुल तरीके से जो मोटर है वो चिपक चुकी है उस गोंद की वजह से। तो आप देख सकते हैं, और इसी तरह आप भी गोंद बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में थर्माकोल और पेट्रोल की मदद से। तो यह थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो करना लाइक, और ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का आइकन आता है गाइस उसे भी जरूर से प्रेस कर देना, उससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यहाँ पे बाय बाय।